हे गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज सुबह सुबह ही मम्मी थोड़ा मुझसे नाराज हो गई, जबकि बताओ आज मैं एकदम सुबह सुबह उठा हूँ, काम भी एकदम कंप्लीट किया, फ्रेश भी हो गया हूँ मैं, फिर भी एक बात को लेकर नाराज है जो मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, सुबह सुबह अपने मम्मी को नाराज मत किया करो, नहीं तो अच्छा चाय नहीं मिलेगा, अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। चाय सुबह से 3 बार मांग चुके हैं फिर भी नहीं मिला अभी तक, तो खुद से लेना पड़ रहा है। दवा भी खाना है तो सुबह ही आज ब्रेकफास्ट कर लूंगा मैं, नहीं तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है हमेशा। और मुझे निकलना भी है अभी, एक्चुअली जो मेरा इंटीरियर का काम कर रहा है ना उन्होंने मुझे बुलाया है, कुछ कुछ पसंद करना है तो वो भी देखने जाना है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर दवा खाते हैं फिर निकलते हैं। मम्मी स्माइल किया करो, सब बोलता है मम्मी का स्माइल बहुत अच्छा लगता है कैमरा के पीछे। ठीक है फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर दवा खा के निकलते हैं। बाहर हो रहा है बारिश इसलिए लाइट भी कट हो गया है, तो देख लो यही होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। पराठा है, सब्जी है, चाय है, साथ में चटनी भी है। ये खाने के बाद दवा भी खाना है तो जल्दी से इसको कम्प्लीट करता हूँ। देख लो कल रात को हम लोग 9 बजे के आसपास आए थे इस एरिया में, पूरा खाली था, और अभी देख लो क्या हाल हो रखा है। बाय द वे हम लोग वापस से निकल चुके हैं, पहले तो मुझे चांदनी जाना है, वो लेमिनेशन पसंद करना है मुझे, उसके बाद टेंगड़ा साइड भी जाना है, टाइल्स वगैरह भी पसंद करना है, तो जो होगा वो तो आपको पता चलेगा ही। देख लो भीड़ देख लो, अभी आदमी मतलब जा भी नहीं सकता, पैदल भी नहीं जा सकता, क्या हाल हो रखा है देख लो। तो अभी हम लोग है चांदनी मार्केट में, इसी मार्केट में मेरा काम है। भाई साहब भीड़ देख रहे हो इस मार्केट में, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान सब है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ तो मैं अभी चला गया था वो अपना फ्लैट का जो टाइल्स वगैरह है, जो लेमिनेशन सब है, वो सब पसंद करने के लिए। एक्चुअली इंटीरियर वाले बुलाते हैं, कलर वगैरह चूज कर लिया, लेकिन एक बार और वो बुलाते हैं कंफर्मेशन के लिए कि सर ये कैसा रहेगा वो कैसा रहेगा। वो सब मैं आज मेरा सारा दिन चला गया, और पापाइदा को मैंने पहले ही भेज दिया था, वो अपने काम में चले गए। मैं बोला कि अब मेरा रात हो जाएगा, रात ही में एक बार जब आप घर की तरफ जाओगे तब हम लोग मिल लेंगे। वैसे भी कल बाहर भी निकलना है, कुछ लंच भी नहीं हुआ, तो सिराज आ गया हूँ मैं यहाँ का रोल खाने के लिए। फाइनली 50 मिनट बाद जब आप लोगों ने देखा मैं सिराज में था, वहाँ से मैं निकल गया। सिराज का रोल यार क्या मस्त बनाया था, और आ गए अपने पुराने लोकेशन में गुप्ता ब्रदर्स। हम लोग पूरा दुनिया घूम लेते हैं और चाय पीने के लिए आते हैं। गुप्ता बेकार है क्या हो रहा है, ये लास्ट 2 बार से बेकार है, ये लास्ट 2 बार से पता नहीं क्यों गुप्ता भी अपना चाय अच्छा नहीं दे रहा आजकल। मैच है इसीलिए अभी लाइट ऑन है, शायद अंदर मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा होगा। भाई किसी के पास पास वगैरह है तो दो यार। हाँ जी, तो अभी हम लोग इस प्लेनेट आ गए हैं, कुछ काम था इसी के लिए इस प्लेनेट आ गए थे, और थोड़ा भूख भी लग गया है, तो वही अभी सर्च किया जा रहा है कहाँ पे हम लोग जा सकते हैं कहाँ पे नहीं। एक तो सामने में अनादि है, वही का मुगलाई खाने का प्लान हो रहा है, तो अभी हम लोग आ गए हैं अनादि प्रसिद्ध मुगलाई पराठा खाने के लिए, तो यहाँ हम लोग का मुगलाई पराठा बन रहा है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ का मुगलाई पराठा खाने के लिए, और ये जो जगह आप देख रहे हो ना अनादि, ये 104 साल पुराना है, मतलब 104 साल से यहाँ पे मुगलाई पराठा मिलता है। जो मेरे पीछे बन रहा है ना ये मुगलाई पराठा है, और इसके अलावा हम लोगों ने एक फिश कटलेट भी बोला हुआ है। ऑलराइट, तो ये हमारा मुगलाई आ चुका है, बहुत ही फेमस मुगलाई। कल हम लोगों ने 90 या 91 साल पुराना मुर्ग मसल्लम रेसिपी ट्राई किया था, आज ये 104 साल पुराना मुगलाई रेसिपी देखकर तो बहुत सही लग रहा है। तो देख लो यहाँ का मुगलाई कुछ ऐसा है, इसको ये सब्जी के साथ डिप करके सॉस के साथ खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन यही है बहुत ऑयली है। और ये हमारा फिश कटलेट भी आ गया है, तो इसका क्या ही बताऊँ, इसको तो बहुत बारी मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में। यहाँ पे ये मेन है, इसको ट्राई करने के लिए मैं आया हूँ। ये जो आना दिया ना यहाँ का मुगलाई मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने अपने एरिया में लोकल सब में ही ट्राई किया है। अंदर में मुझे लग रहा है ना प्याज और ऑमलेट के अलावा और कुछ है भी या नहीं, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है वो जो बिस्कुट गुड़ा है ना एकदम थोड़ा ना के बराबर है, इसलिए मतलब ये जैसे लग रहा है क्या बोलो तो रोल का क्रिस्पी वर्जन, ये मेरे हिसाब से ये रोल का एक क्रिस्पी वर्जन लग रहा है। ठीक है मैं बोलूंगा, जितना आप लोग को देख के लग रहा है ना ऑयली वाली वैसा भी नहीं। ये मस्टर्ड सॉस के साथ, पहली बात तो ये मस्टर्ड सॉस, इसका फ्लेवर भर भर के आ रहा है, इसमें वो जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना मस्टर्ड का वो आ रहा है, एकदम ओरिजिनल मस्टर्ड सॉस से लग रहा है, मतलब कुछ भी मिलावट नहीं है इसमें। इसके अंदर है भिटकी फिश, असली जादू ये कर रहा है,
बाकी यही सब है। चलो इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। अच्छा है मुगलाई, मैं बोल सकता हूँ आप ट्राई कर सकते हो एक बार आकर। ऐसा कुछ मत सोचना कि 104 साल पुराना है तो क्या ही होगा, एकदम अलग ही होगा, बहुत यूनिक होगा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है। और मैं बोलूँगा आप लोग जैसा बाहर खाए होगा ना, उससे काफी लाइट वर्क करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग अनादि से निकल गए हैं। वहाँ का मोगलाई तो मैं बोलूंगा ठीक ठाक सा था, सब्जी मैं बोलूंगा उनका काफी अच्छा था, लेकिन मोगलाई मेरे को नॉर्मल सा ही लगा। उससे अच्छा अच्छा मैं बोलूंगा स्ट्रीट पे मैंने खाया है 40-50 रुपए वाला, ये तो फिर भी 80 रुपए का था। बाकी जो हम लोगों ने फिश कटलेट लिया था वो 70 रुपए का था, तो वो भी काफी एक्सपेंसिव था। अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया है कि आज भी रात हो गया है और मम्मी वापस से फोन कर दी है सैनिटाइजर के लिए, और अभी तक हम लोग लिए नहीं है, लेकिन हाँ अभी मिल सकता है, चांसेस बहुत है। और कार भी हम लोग को कंफर्म करना है क्योंकि कल जाने के लिए अभी तक कुछ भी बुक नहीं हुआ है, और सुबह 4 बजे निकलने का प्लान है हमारा, बताओ। तो ये जो आप देख रहे हो ये एस्प्लैनेड चौरस्ता, बहुत ही बड़ा चौरस्ता है ये, और ठीक सामने आपको दिख रहा होगा मेट्रो सिनेमा। ये बहुत ही आइकॉनिक सिनेमा है, इसको वापस से रेनोवेट किया गया है। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पीएलडीसी इन होटल, और वो जो सामने आप देख रहे हो ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो मेट्रो का काम हो रहा है सारा। हाँ जी, तो अभी मैं घर आया, और जो हम लोगों को कार बुक करना था कल के लिए वो भी हो गया है, 3 दिनों के लिए हम लोगों ने बुक किया है उसको। वो मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं वो तो आपको कल पता चली जाएगा, वहाँ मैं 2 या 3 बार गया भी हूँ, वापस से जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। सुबह सुबह 5 बजे हम लोगों ने टैक्सी को बोल दिया आने के लिए, सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास हमारी जो गाड़ी है वो आ जाएगी घर के बाहर। फिर मुझे पापाइदा को भी लेने जाना पड़ेगा, हम 2 ही लोग हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है निकलते निकलते 7:30 बज ही जाएगा अगर नींद नहीं आया तो, लेकिन हाँ ड्राइवर को पहले ही बोला हुआ है, अगर ड्राइवर आ गया तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। वैसे तो आप लोगों ने देखा हमें गुप्ता में आज अच्छा चाय नहीं मिला, एक्चुअली वो गरम करके दे दिए थे। अगर आप भी जा रहे हो ना गुप्ता मेरा वीडियो देखने के बाद, हाँ मोहित भाई बोलते हैं तो चाय वहाँ का अच्छा ही होगा, तो देख लेना वो गरम करके देंगे ना तब मत लेना, बोल देना नहीं आप जब भी नया बनाओगे तभी हम लोग लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। 30 रुपए का चाय अगर वो गरम करके दे रहे हैं तो सोचो कितना बेकार है, एक भाड़ का चाय 30 रुपया वो भी गरम क्या हुआ। अगर इतना महंगा चाय पी रहे हो ना तो अच्छा चाय पीना, गरम क्या हुआ बिल्कुल भी मत लेना, एकदम बेकार लगता है। और ये मम्मी मेरे चाय बनाकर रेडी रखी थी तो चलो पीते इसी को अभी। वैसे मम्मी तो आज सारा दिन घर पे ही थी तो मम्मी का मूड ठीक हो गया होगा अभी, क्योंकि मम्मी के वॉशरूम का जो मैंने टाइल्स वगैरह पसंद किया है ना तो मम्मी को बहुत पसंद आया, तो इसलिए शायद मूड अभी ठीक हो गया होगा। बाकी आज सारा दिन मेरा बाहर ही लग गया यही सब टाइल्स वगैरह चूज करने में। अभी यहाँ पे सीन क्या है ना, ये टाइल्स खरीदना या फिर लेमिनेशन कैसा जाएगा कैसा नहीं ये सब देखना, ये सब का मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ये सब कभी मैं खरीदा भी नहीं हूँ तो उतना आइडिया भी नहीं है मुझे। थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे, वो तो अच्छा हुआ कि मैं इतने सारे होटल्स में घूमता हूँ, इतने सारे होटल्स का मैंने वॉशरूम देख रखा है, तो वो लोग किस टाइप का टाइल्स यूज करते हैं, किस टाइप का फ्लोर यूज करना अच्छा लगेगा, किस टाइप का लेमिनेशन अच्छा लगेगा, तो ये सब का हेल्प जो है मुझे होटल से काफी मिला। बाकी जो मेरा इंटीरियर का काम कर रहा है वो तो काफी हेल्प किए ही, लेकिन हाँ होटल जाने से एक फायदा हुआ कि कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया मुझे मिल रहा था। बाकी तो फिर जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तब आपको पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं है। टाइल्स वाला मार्केट में जाओ ना तो पता चल जाता है। हाँ वो तो है, मतलब सिंपल बात में बताऊँ ना बहुत खुशी मिलता है, आप अपने घर के लिए जो आपने खुद से खरीदा है उसके लिए आप शॉपिंग कर रहे हो, उसको सजाने के लिए आप कुछ ले रहे हो। बाकी चाय तो पूरा ठंडा हो गया है, मेरा आदत है ठंडा करके ही चाय पीने का। फिलहाल अभी मम्मी को थोड़ा फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ जो जो टाइल्स मैंने फाइनल किया है। बताओ कल सुबह मुझे निकलना है, अभी तक पैकिंग भी नहीं है, अभी फिलहाल दवा खा लेता हूँ मैं। हाँ तो मैंने दवा खा लिया है और रात का भी 1 बज चुका है, अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया हूँ मैं, सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास हमारा टैक्सी भी आ जाएगा, उससे पहले हम लोग को फ्रेश हो जाना है। खैर कोई नहीं, ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं, होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।